प्रणाम। आप सभी का स्वागत है योगा एंड वेलनेस ऑनलाइन टॉक सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रज्ञा योग अलायंस। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर कपिल जी का, जिनके माध्यम से आज हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर कंचन जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस मेमोरी इन्हांसमेंट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, कि हमारी योगिक प्रैक्टिसेस कैसी हमारी मेमोरी को इन्हांस कर सकती हैं। योगिक प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम अपनी मेमोरी पावर को बूस्टअप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो वार वेलकम्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। नाउ वी विल स्टार्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले क्योंकि हमको कनेक्ट करना है कोरिलेशन बिटवीन द मेमोरी एंड योगिक प्रैक्टिसेस, तो समराइज वे में मेमोरी को समझेंगे कि मेमोरी क्या है और कैसे हमारी योगिक प्रैक्टिसेस इस पे इफेक्ट डालती हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इज माइंड। इट इज ट्रू दैट सम पीपल बॉर्न विथ सुपर नेचुरल मेमोरी, बट दैट डज नॉट मीन दैट अदर्स लैक द कैपेबिलिटी ऑफ अवेयरनेस नेचुरल पोटेंशियल ऑफ पीपल। यूज ओनली 7% ऑफ रियल पोटेंशियल ऑफ देयर ब्रेन, 93% of the capabilities still remain unused, dormant and untested. The hidden potential is about times more than the creative power of the brain ever used by the most of the intelligent present. Research has shown that average person runs about 60,000 thought in mind. What really amazing is that percent of these thoughts the day before. Actually, कुछ memory के बारे में हम आपको facts बता रहे थे कि कैसे कैसे हमारे इतिहास को देखें तो बहुत जिनकी एक्सेप्शनल मेमोरी, जैसे लॉर्ड मैकाले, प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन, बारे में कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स जो कल क्लर्क थे और ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स पूरे आने के बाद जिन्होंने कॉल कर लिया था, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके जिनकी मेमोरी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी और हमसे अपने इस पोटेंशियल को किया था। अब हम मेमोरी के बारे में कि है कि हमारे जितने पास इवेंट्स हैं जिनको हम रिकॉल कर पाए उसको हम मेमोरी कहते हैं, क्योंकि मेमोरी के बारे में भी क्षमा प्रार्थी हूं आपसे कि नेटवर्क में डिस्टरबेंस के कारण आपको ये कष्ट हो रहा है। द एबिलिटी टू रिमेन एंड फॉरगेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग फंक्शन ऑफ द ब्रेन।
मेमोरी इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, द एबिलिटी टू रिटेन इन्फॉर्मेशन। मेमोरी क्या है? हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, उसको स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशंस को। अब इसमें हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे जो समय समय पर साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। द कैपेसिटी टू रिटेन एंड लिटरल रिट्राइव इन्फॉर्मेशन, ये डेफिनेशन दी है रॉबर्ट ए बैरन ने। सेकेंड डेफिनेशन वुडवर्थ की लेते हैं, मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट इट लर्नड। फिर है स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस क्लोजली रिलेटेड टू लर्निंग। तो ये मेन मेन डेफिनेशन हमने पुट ऑन की है। उसके बाद नेक्स्ट कि मेमोरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि कोई भी चीज हम मेमोराइज कब करते हैं, जब हम अटेंशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारा माइंड एक समय में एक ही चीज पर कंसंट्रेट कर पाता है। अगर हम एक मिनट में हमारे माइंड में 10 थॉट आते हैं तो हम स्विच करते हैं दूसरे थॉट में, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे ब्रेन में एक ही थॉट रहता है। तो जो भी घटनाएं होती हैं उनके प्रति, जिन घटनाओं के प्रति, क्योंकि वातावरण में, एनवायरमेंट में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक साथ घटित होती हैं, लेकिन जिनके प्रति हमारा अटेंशन होता है, इट्स मस्ट बी इनकोडेड, वो इनकोडेड होती हैं और इनकोडेड होकर हमारी सेंसरी मेमोरी बनती हैं, जो मेमोरी का सबसे पहला पार्ट है, और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, और फिर जिनको हम रिहर्सल करते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम रिट्राइव करते हैं, रिकॉल करते हैं, और ऐसे हमारे ब्रेन में एक न्यूरल पाथ बनता है जिसके माध्यम से हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। अब क्योंकि मेमोरी इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा लोब है? ब्रेन का टेम्पोरल लोब, क्योंकि ब्रेन के डिफरेंट लोब, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, जिसके अलग अलग पार्ट्स, ये सब अलग अलग पार्ट्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स के होते हैं। इस पर ज़्यादा डीप ना जाकर कि जो टेम्पोरल लोब में आपका एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस बिलो द हाइपोथैलेमस, ह्यूमन ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस, जिसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला, ये हमारी मेमोरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड कर पाते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको रिकॉल करते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आप सब जानते होंगे, क्योंकि न्यूरॉन ही चैनलाइज करते हैं। द जंक्शन बिटवीन इज न्यूरॉन इज साइनेप्स, तो ये डेंड्राइट्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, ये एक्सॉन के थ्रू एक्साइटेड होती हैं और लास्ट में न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती हैं। तो ये भी एक चेन बनाती हैं जो हमारी मेमोरी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। ह्यूमन मेमोरी को जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले चीज हम जो डिस्कस करते हैं ह्यूमन मेमोरी, तो उसमें जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है अटेंशन। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मेमोरी इज अटेंशन, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि एनवायरमेंट में बहुत सी जो प्रोसेस हैं वो एक साथ घटित होती हैं, लेकिन जिनके प्रति हम अटेंशन हैं, हमारे देयर इज मच मोर इन्फॉर्मेशन इन योर एनवायरमेंट देन यू कैन प्रोसेस एट एनी वन टाइम, दस यू मस्ट मेक चॉइस कॉन्सियस एंड अनकॉन्सियस रिगार्डिंग द स्टिमुलाई टू विच यू विल अटेंड। सेकेंड वन इज इनकोडिंग। इनकोडिंग, वट इज इनकोडिंग? वन समथिंग इज अटेंडेड टू, इट मस्ट बी इनकोडेड टू बी रिमेंबर्ड। एंड थर्ड वन इज, इस पर ज़्यादा नहीं रहेंगे, इनकोडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, इस पर ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। फिर स्टोरेज, स्टोरेज क्या है? स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन इन योर मेमोरी। थर्ड वन इज रिट्राइवल। रिट्राइवल इज कॉलिंग बैक ऑफ द इंफॉर्मेशन, कॉलिंग बैक
द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू सम क्यू फॉर यूज इन स्लो प्रोसेस और एक्टिविटी। कॉलिंग बैक ऑफ द इंफॉर्मेशन, रिट्रैवल में क्या करते हैं कि हम कॉलिंग बैक ऑफ द इंफॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद ये आपके मेमोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अटेंशन एंड सिलेक्शन। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मेमोरी इज अटेंशन। इज अटेंशन इज देयर इज मच मोर इंफॉर्मेशन इन योर एनवायरमेंट देन यू कैन प्रोसेस एट एनी वन टाइम, दस यू मस्ट मेक चॉइस कॉन्सियस एंड अनकॉन्सियस रिगार्डिंग द स्टिमुली टू विच यू विल अटेंड। सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट थिंग इज इनकोडिंग। वन समथिंग इज अटेंडेड टू इट मस्ट बी इनकोडेड टू बी रिमेंबर्ड। अगर हम उस मेमोरी को साउंड से करते हैं तो उसको कहते हैं अकोस्टिक कोड। अगर हम उसको विजुअल मेमोरी, ऑडियो विजुअल मेमोरी, सिर्फ विजुअल का कोड करते हैं तो उसको कहते हैं सेमेनेटिक कोड। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इंफॉर्मेशन इन योर मेमोरी। सेंसरी स्टोर, शॉर्ट टर्म स्टोर और लॉन्ग टर्म स्टोर। ऐसे हमारी मेमोरी, मैंने आपको पहले भी डायग्राम से बताया था कि सबसे पहले हम अटेंशन होते हैं। किसी भी चीज़ के प्रति आप अटेंशन है तो इट मस्ट बी इनकोडेड, वो स्टोर होगी। स्टोर कैसे होगी? या तो सेंसरी मेमोरी में होगी। फिर इन सब की टाइमिंग है कि कितने टाइम तक आप मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी को रखते हैं, कितने टाइम फिर रिट्राइव करके लॉन्ग टर्म मेमोरी को लाते हैं। अच्छा, रिट्राइवल क्या है? रिट्राइवल इज द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली रिमेंबरिंग समथिंग व्हेन यू वांट टू। रिट्राइवल क्या है कि जब आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं और आप उस समय उस चीज को मेमोराइज करने में सफल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन। रिट्राइवल relates to storage as well. Obvious, the memory has to be stored in order for you to retrieve it. But knowing how it was stored can help. ये थोड़ी important चीज है कि क्या physiology है memory की। मैंने आपको पहले भी अभी discuss किया था कि memory में क्या क्या चीजें important हैं। तो हमने brain के दो important part लिए थे, क्योंकि cerebral cortex जो हायर ब्रेन सेंटर्स हैं उनमें दो पार्ट्स हैं, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ मेमोरी में। दूसरी आती है बायोकेमिकल थ्योरी। बायोकेमिकल थ्योरी कहती है कि मेमोरी स्टोरेज अकर्स बायोकेमिकल चेंज एट द साइनेप्स। साइनेप्स मैंने कहा था कि जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, जहाँ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, वहाँ एक्सॉन, प्री के एक्सॉन और पोस्ट के डेंड्राइट्स जहाँ का जंक्शन होता है उसको कहते हैं साइनेप्स। दूसरा क्या है कि एक न्यूरो सर्किट थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं देयर आर मे बी स्पेसिफिक सर्किट इन द ब्रेन फॉर स्पेसिफिक मेमोरीज। तो ये थोड़ी मेमोरी के बारे में एक और थ्योरी आती है जिसको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज एंड मेमोरी। There is a evidence that protein synthesis is involved in some way in the process responsible for memory. अब थोड़ी योगिक पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं कि योग क्या कहता है। हम महर्षि पतंजलि को लेंगे इसमें, कि जो हमारी पांच वृत्तियां हैं उसमें प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। स्मृति जो है वो पांचवी वृत्ति आती है, वृत्ति पंचत्या, क्लिष्ट अक्लिष्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वो मेमोरी है क्या? मेमोरी इज नॉट अलाउिंग एन ऑब्जेक्ट विच हैज बीन एक्सपीरियंस्ड टू एस्केप। ये समाधि पाद के 11वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने मेमोरी को डिफाइन किया है। उसी में हम प्रमाण मीमांसा में लेते हैं द रिकॉल ऑफ वासना। वासना मीन्स और संस्कार इज स्मृति। जब हमारे संस्कारों को हम रिकॉल करते हैं इसी को हम मेमोरी कहते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज चरक संहिता में कहा गया है द रिकॉल ऑफ वट एवर वी हैड सीन, रिकॉग्नाइजेशन, हर्ड और एक्सपीरियंस्ड इज मेमोरी। ये योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हमने पुट ऑन की हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है
कि हाउ योगिक प्रैक्टिस वर्क, कि हमारी योगिक प्रैक्टिसेस वर्क कैसे करती हैं किसी भी चीज़ को इन्हांस करने में। तो सबसे पहली चीज़ है डीपिंग परसेप्शन, कि जब हमारा डीपनिंग परसेप्शन होगा तो हम योगिक क्रियाओं के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने सेंस ऑर्गन्स को, उनके परसेप्शन की कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं। हम षटकर्म करते हैं तो अपनी ज्ञान इंद्रियां, अपने शरीर के मल, वात पित्त और कफ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद को बैलेंस करते हैं। हम आसनों के माध्यम से शारीरिक रूप से प्रबल बनते हैं, हमको फिजिकल स्टेबिलिटी आती है। प्राणायाम के माध्यम से हम मेंटली स्टेबल होते हैं। तो हमारी परसेप्शन, हमारी ज्ञान इंद्रियां की वर्किंग कैपेसिटी को हम इन्हांस करते हैं। सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग द अटेंशन स्पैन। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेमोरी के लिए सबसे चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो अटेंशन है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एग्जामिनेशन के दिनों में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारा जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है वो हाई रहता है, तो हमको हर चीज़ मेमोराइज हो जाती है। तो अगर हमारा अटेंशन अच्छा रहेगा तो ये भी हमारे आपको किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी चीज़ है एक्टिवेटिंग डॉर्मेंट एरियाज। इस पर थोड़ी हम जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे अभी आसन और प्राणायाम की, तब वहाँ हम ध्यान देंगे कि कैसे हम अपने एक्टिवेटिंग करते हैं डॉर्मेंट एरिया को, ऐसे एरिया को विद द हेल्प ऑफ प्राणायामा, कि हम अपने डॉर्मेंट एरिया को स्टिमुलेट करते हैं जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ वन इज शिफ्टिंग यूजफुल मेमोरीज फ्रॉम यूजलेस वंस फॉर आर ओवरऑल डेवलपमेंट। देखिए, योग में हम बात करते हैं कि यूजफुल मेमोरीज का मतलब है कि हम अपनी यौगिक साधना में स्वाध्याय बढ़ाते हैं। स्वाध्याय बढ़ाएंगे तो यूजफुल मेमोरीज को हम स्टोर करेंगे और हमारे जो अनयूजलेस मेमोरीज हैं, जो हमको तनाव, चिंता, अवसाद हमारे शरीर में उत्पन्न करती हैं, उन सब मेमोरीज को शिफ्ट करेंगे, उनकी जगह हम यूजलेस यूजफुल मेमोरीज को स्थान देंगे। तो इससे ये चार चीज़ें तो बेसिक रूप से हैं जो योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ करते हैं, जिनके माध्यम से हम मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आसनों की बात करता हूँ कि आसनों के माध्यम से जब हम योग करते हैं तो षटकर्म का विधान है। षटकर्म से क्या होता है, हमारी बॉडी की क्लीजनिंग होती है, नाजल पैसेज क्लियर होता है। नाजल पैसेज क्लियर रहेगा तो प्राणायाम खुद ही बढ़िया होगा। लेकिन सबसे पहले आसनों की बात करते हैं। ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ कि पीपीटी देखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी ओर से आपको वो सब चीज़ें बता भी दें, जिससे पीपीटी अगर क्लियर ना भी है तो आप लोग सुनकर उस चीज़ का लाभ ले सकें। तो सबसे पहले मैं आसनों की बात करता हूँ। तो आसनों के माध्यम में, आसन क्या है कि हम आसनों के माध्यम से दो तरह के पोश्चर्स, दो तरह की प्रैक्टिस हम आसनों में मुख्य तरह से करते हैं। एक को कहते हैं डायनेमिक पोश्चर प्रैक्टिस, एक को कहते हैं स्टैटिक पोश्चर। डायनेमिक उन्हें कहते हैं जिनमें आप बॉडी आसन तो कर रहे हैं पर आपकी होल्डिंग जो है वो लेस है, जिसमें हम 10 सेकंड से कम लेस होल्डिंग करते हैं, उनको कहते हैं डायनेमिक पोश्चर। तो डायनेमिक पोश्चर्स क्या करते हैं, हमारी मसल्स का स्टेमिना बढ़ाते हैं, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ब्रेन का उस ऑर्गन के साथ कनेक्शन। और कैसा कनेक्शन, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपके माइंड्स में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन जब आप अपने ब्रेन को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं किससे, अपने बॉडी पार्ट्स, तो जब हमारा ब्रेन डायरेक्ट कनेक्ट होता है बॉडी पार्ट्स से, जब हमारा ब्रेन डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जब भी हम डायनेमिक मूवमेंट करते हैं, डायनेमिक मूवमेंट का मतलब है कि ऐसा मूवमेंट जिसमें हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है, आप कोई भी आसन करें, सपोज फॉर एन एग्जांपल आप सुपाइन पोज करते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप कोबरा पोज करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपका अटेंशन क्या रहता है, आप धीरे धीरे बॉडी को मूवमेंट देते हैं, तो आपका ब्रेन इन्वॉल्व रहता है बॉडी के पार्ट्स। तो इन्वॉल्वेशन, ब्रेन के इन्वॉल्वेशन क्या होता है, हमारा न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है। और होता है दूसरा
दूसरी चीज हम कहाँ फोकस करते हैं, वी क्लोज योर आइज, हम आंखें बंद करते हैं, इनहेल, ब्रीदिंग पर हमारा कंसंट्रेशन रहता है। ब्रीदिंग अवेयरनेस से क्या होता है, आपका माइंड और बॉडी के बीच कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो जाता है। हम क्या करते हैं, कोई भी आसन करते हैं तो वी इनहेल, वी फील ऑल द पार्ट विच आर इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिस। कौन कौन से पार्ट एक्टिव है हमारे, एक्टिव पार्ट मतलब कि जिनको आप, जैसे आप भुजंगासन कर रहे हैं तो होल स्पाइन, यू कैन सो होल स्पाइन, और आप पश्चिमोत्तान आसन कर रहे हैं तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, बाइसेप्स, फीमुरिस, जिस पे भी आप प्रेशर करेंगे, आपके रेस्ट, आपके शोल्डर्स, ट्रेपेजियस, लेटिमस डॉर्सी, तो आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है आसनों में। उससे क्या होता है कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ इन्हांस होती है, और हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ इन्हांस होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है। व्हाट इज एंडोर्फिन, एंडोर्फिन एक नेचुरल हार्मोन है जो एक कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से पेन किलर का काम करता है। तो जब हम डायनेमिक पोस्चर करते हैं, डायनेमिक एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि एंडोर्फिन का सिक्रेशन बढ़ता है, और ये एंडोर्फिन क्या करता है, हमको सुखद अनुभव कराता है। हमारे ब्रेन में इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज मेमोरी इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ऐसी सब क्रियाएं जो हमारे ब्रेन को प्रभावित करेंगी, हमारा बॉडी और माइंड का कोरिलेशन को बेहतर करेंगी, वो सब क्रियाएं हमारे मेमोरी में हमें लाभ दे। दूसरे आते हैं हम पोस्चर, स्टैटिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर उन्हें कहते हैं जिनको वी होल्ड, हम होल्ड करते हैं 10 से 15 सेकंड से ज्यादा, जितने पोस्चर्स को हैं हम होल्डिंग करते हैं। तो होल्ड करने से क्या होता है कि अभी तक जो हमारा प्रेशर है डायनेमिक में, तो सिर्फ स्केलेटल मसल्स को हम प्रभावित कर पाते हैं, अपनी मसल्स की टोनिंग पावर बढ़िया करते हैं। वो आपको इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक मूवमेंट या एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन क्या होता है कि जब हम स्टैटिक पोस्चर्स में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी डीप मसल्स को, क्योंकि आपने ताड़ासन किया, आप जब ताड़ासन करते हैं इनहेल, तो क्या होता है जब आपकी होल्डिंग बढ़ाते हैं, जब आप 15 सेकंड तक करते हैं तो आप यू फील स्ट्रेस इन योर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स और ट्रेपेजियस मसल्स और डेल्टॉइड मसल्स। बट व्हेन वी होल्ड फॉर 15 सेकंड, जब हम किसी भी अभ्यास को 15 सेकंड से ज्यादा मेंटेन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर ब्रेन क्या करता है, इन मसल्स को रिलैक्स भी करता रहता है। इससे क्या होता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर एक बहुत पॉजिटिव मसाज क्रिएट होती है। हम मसाज करवाते हैं, मसाज करते हैं, मसाज करने से क्या होता है, वी फील रिलैक्स। तो हमारे जितने स्टैटिक पोस्चर्स हैं ये क्या करते हैं, बॉडी माइंड कोरिलेशन को प्रमोट करते हैं। और जहां बॉडी माइंड अगर बैलेंस है, आप आसनों में क्या करते हैं, कोई भी आसन हम होल्ड करते हैं तो अगर क्या आपका अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, कहते हैं अलाइनमेंट क्यों प्रॉपर होना चाहिए, अगर आप डिस्कम्फर्ट हैं तो वो डिस्कम्फर्ट क्या करेगा, आपके ब्रेन को डिस्कनेक्ट करेगा बॉडी के साथ। क्लियर है? अब आते हैं मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन की क्या फिजियोलॉजी है? मेडिटेटिव आसन में आप यू सिट इन क्रॉस लेग्ड, आपके लेग क्रॉस रहते हैं। क्या होता है उससे कि आपका लोअर बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। और सेकेंड वन, योर स्पाइन इज इरेक्ट, आपकी स्पाइन इरेक्ट रहती है। अगर आपकी स्पाइन इरेक्ट है तो क्या होगा, आपका लंग्स, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही होगा। हमारे योगी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, दे नो कि अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न को सही कर लें तो हम अपने बॉडी की हर एक एक्टिविटी को प्रॉपर कर सकते हैं, हर एक सिस्टम को, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एंडोक्राइनल सिस्टम हो, तो ये सब सिस्टम्स को हम प्रॉपर कर सकते हैं। कब? जब हमारी स्पाइन इरेक्ट है। और जब हम क्रॉस लेग बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एक ग्रुप ऑफ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। देखिए स्केलेटल मसल्स में तो हम रिलैक्सेशन ही कह नहीं सकते कि एवरी एंड ईच स्केलेटल मसल्स रिलैक्स होती है, क्योंकि उसमें आपने पढ़ा होगा कि मसल्स की टोनिंग पावर किसे कहते हैं। लेकिन जब हम पद्मासन में बैठते हैं, सिद्धासन में बैठते हैं, तो क्या होता है, हमारा ग्रेविटी का फोर्स मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए हट प्रदीपिका में मेंशन है कि आसन करने से शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान होती है। स्थिरता क्या है, व्हाट इज स्थिरता, स्थिरता मीन अटेंशन, द फर्स्ट थिंग ऑफ मेमोरी। अगर आप अटेंशन है, अगर आप अवेयर हैं, तो अटेंशन एंड अवेयरनेस, कंसंट्रेशन एंड अवेयरनेस, तो ये क्या होती है, आसनों के माध्यम से इन्हांस होती है। दूसरा, हम हर एक इंटरनल ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट डालते हैं कि जैसे आप फिश पोज करते हैं, मत्स्य आसन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं इस पार्ट, देन ये क्या करा, हमने कॉम्प्रेस किया,
देन मच्छेंद्रासन किया आपने, ट्विस्टिंग किया, ट्विस्टिंग, तो इससे क्या होता है आपकी बॉडी में एक हार्मोन, एक गुड इफेक्ट पड़ता है, जिसके आपसे आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रेट जिसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये क्या होता है, इसको भी हम रिड्यूस करते हैं। इसमें हम अब सेकेंड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेमोरी को अगर हमको इफेक्टेड करना है, इन्हांसमेंट करना है, तो हम किस पर ध्यान दें। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज द ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो प्राणायाम क्या है कि एक ब्रिज है जो आपकी बॉडी और माइंड को कनेक्ट करता है। ये तो नॉर्मल चीज है। प्राणा इज अ कंप्रेस्ड ऑफ टू रूट्स, प्राणा धन आयामा, प्राणा प्लस आयामा। प्राणा मीन वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स, आयामा मीन एक्सपेंशन और एक्सटेंशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्राणायामा इज कंसिडर्ड मच मोर पावरफुल देन आसनास। देखिए प्राणायाम को द्वितीय स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान दिया गया है, और ये क्या है, आसन से ज्यादा पावरफुल है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर कोई भी चीज पावरफुल हो तो उसके रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होते हैं। तो क्या है, अगर मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल, इफ इफेक्ट ऑफ आसना इज एक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज नोट, इफ द इफेक्ट ऑफ आसना इज एक्स देन इफेक्ट ऑफ प्राणायामा इज 10x, इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन आसना। बट व्हेन समथिंग इज पावरफुल देयर इज ऑलवेज ए रिस्क, सो प्राणायामा शुड बी डन वेरी केयरफुली। There is a verse in Hat Yoga. Hat Pradipika में वर्णन मिलता है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। अर्थात कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास सही तरीके से करते हैं, उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है, किंतु प्राणायाम के गलत अभ्यास से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। इफ यू प्रैक्टिस प्राणायाम प्रॉपरली, इट विल डिस्ट्रॉय एवरी डिजीज इन योर बॉडी एंड माइंड। इफ यू प्रैक्टिस प्राणायाम इम्प्रॉपरली, यू विल हैव एवरी डिजीज इन द वर्ल्ड। सो बी अवेयर, डू द प्राणायाम प्रैक्टिस विद राइट मेथड। If we focus the verse in Gheran Sanhita, Anando Jayate Chitte Pranayami Sukhi Bhave, यानी प्राणायाम की साधना से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। Very very interesting verse which tell you that pranayama either can strengthen you to the highest, and if not done properly it can weaken you to the lowest, so pranayama has to be done carefully। ये एक important facts मैंने आपको बताए कि प्राणायाम क्या है और प्राणायाम, अब थोड़ी हम प्राणायाम से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चर्चा करेंगे कि प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे अफेक्टेड करते हैं। अब प्राणायाम की बात करते हैं, सबसे पहले हमको ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द राइट मेथड हाउ टू ब्रेथ, क्योंकि हमारे जितने भी हठ योगी ऋषि रहे थे वे जानते थे कि अगर ब्रेथ और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है और हम ब्रेथ को कंट्रोल कर लेंगे, जैसा हमारे हठ प्रदीपिका में मेंशन है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, कि क्या है कि अगर हम वायु को कंट्रोल कर लें तो हम अपने ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी हमको समझना पड़ेगा, पहले हम ब्रीदिंग के बारे में कंसेप्ट करते हैं कि ब्रीदिंग का पैटर्न अगर ठीक रहेगा तो हम कितनी तरह से ब्रीदिंग करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसको कहते हैं योग, उदर श्वसन, थोरसिक रिब केज एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग।
इन प्राणायाम हमको ब्रीदिंग की टेक्निक्स का पता होना चाहिए। तो हम क्या है कि अगर जो भी फिट हैं वो क्या करते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपकी रहेगी कि 60% एब्डोमेन, 35% थोरेसिक एंड 5% क्लेविकुलर ब्रीदिंग। इसको हमने जिन जिन लोगों को योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास होगा, जिसको योगिक श्वसन कहते हैं, तो सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले आपको अपने ब्रीदिंग का पैटर्न सही करना पड़ेगा। दूसरा, प्राणायाम करने में क्या होता है कि इन नेचुरल आप जो ब्रेथ लेते हैं वो 1 मिनट में 16 से 18 बाद आप ब्रेथ लेते हैं, लेकिन प्राणायाम करने में हम अपनी ब्रीदिंग रेट को भी स्लो करते हैं। प्राणायाम के कितने स्टेप हैं? मुख्यतः प्राणायाम के 3 स्टेप हैं, पूरका, श्वास लेना, रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, कुंभक, एंड थर्ड वन इज रेचिका, एक्सहेलेशन। 3 स्टेप हैं। इनको कैसे हम यूज करते हैं, उससे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जिसको हमारे हठ ग्रंथों में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहा गया, अल्टरनेट ब्रीदिंग। तो अल्टरनेट ब्रीदिंग क्या है, इसमें बहुत से लोगों को मालूम हुआ कि जो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारी एक नॉस्ट्रिल डोमिनेंट रहती है 90 मिनट। 90 मिनट के बाद क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति में ये सर्किल चेंज होता है और ड्वेल नाड़ी मॉडल पर हम काम करते हैं। नाड़ियाँ क्या हैं? नाड़ियाँ हैं क्या? नाड़ी एक ऐसे चैनल्स हैं जिनमें प्राणिक एनर्जी का फ्लो होता है। चक्रास क्या है? द जंक्शन ऑफ द नाड़ीज, टू और मोर नाड़ीज, जहाँ क्या है कि दो से अधिक नाड़ियों के जंक्शन होते हैं, उनको कहते हैं हम चक्र। तो नाड़ियों में क्या, नाड़ियों में प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो हमने अपने जितने हठ ग्रंथ पढ़े हैं वहाँ पढ़ा है कि अगर हमारी नाड़ियाँ प्यूरिफाई रहेंगी, जैसे 72,000 नाड़ियों की चर्चा है, कुछ हठ ग्रंथों में सिर्फ संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों की चर्चा है, उनमें भी किसी हठ ग्रंथ में 15 नाड़ियों की चर्चा या 15 नाड़ियों को मुख्य बताया गया है, उनमें भी 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, ईड़ा, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो डोमिनेंट रहती है, तो हम क्या रहते हैं, पैसिव रहते हैं, आपको कोल्ड करती है और आपके माइंड को कंट्रोल करती है। अपोजिट वन इस पिंगला नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल, ये क्या करती है, हीट, और आपको एक्टिव एक्टिव करेगी। एंड सुषुम्ना, जब दोनों बैलेंस हो जाती हैं तो प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में होता है। जब सुषुम्ना में प्राणों का प्रवाह होता है तो अगर आपने, इसको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कि ड्वेल नाड़ी मॉडल, कि हमारा प्राणायाम ड्वेल नाड़ी मॉडल में काम करता है। जब हम इनहेल करते हैं लेफ्ट नॉस्टल से तो हम अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, और जब हम इनहेल करते हैं राइट नॉस्टल से तो लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन यौगिक अभ्यास में कई ऐसे अभ्यास हैं जैसे सिद्धासन, जिन आसनों में बैठने से आपकी दोनों नाड़ियाँ यानी आप दोनों ब्रेन हेमिस्फेयर को एक साथ एक्टिवेट करते हैं, और जो क्या है हमारे बॉडी में अल्फा इजी को डोमिनेंट करता है हमारे ब्रेन। अल्फा इजी क्या है? अल्फा वेव्स कब डोमिनेंट होती हैं? जब आप क्या हैं, आप चेतन भी हैं और रिलैक्स भी हैं। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेमोरी इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। अगर हम ब्रेन पे अपने एंडोक्राइनल सिस्टम को, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, या फिर अपने ब्रेन स्टेम, अपने लिम्बिक सिस्टम को मजबूत करेंगे तो हमारी मेमोरी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब इसके साथ साथ कुछ हमारे पास रिसर्च भी है जिनमें मैं बात करूंगा कि कैसे हम अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो हमने डिस्कस पहले कर ली हैं, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से हम अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं। इसमें ये 4 एस्पेक्ट्स ऑफ प्राणायाम जिस पर हमने चर्चा की थी, रेचक, पूरक और कुंभक, उसके बाद अंतर कुंभक के 2 प्रकार बताए थे, अंतर कुंभक और बहिर कुंभक। उसके बाद क्या होता है, प्राणायाम करने और योगिक प्रैक्टिस से क्या करते हैं, इंक्रीज द पावर ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, हम अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स की पावर को इन्हांस करते हैं। दूसरे, इंक्रीजिंग एंड मेंटेनिंग द पेटेंसी ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोस, हम क्या करते हैं अपना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों को प्यूरिफाई करते हैं, स्टूमुलेट करते हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को हम इन्हांस करते हैं। और क्या करते हैं प्राणायाम के अभ्यास से, योगिक प्रैक्टिस से, कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग इन द लंग्स, और क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लंग्स इलास्टिसिटी। तो
इतना फंक्शन हम प्राणायाम के माध्यम से या हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। इसके अलावा द हिप्पोकैम्पस टर्न्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी विद इन 2 वीक्स, जिसकी हमने चर्चा की थी कि ब्रेन का एक पार्ट हिप्पोकैम्पस ये क्या फंक्शन करता है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को चेंज करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में विद इन 2 वीक्स। दूसरा, प्राणायाम के बारे में कहा गया है, प्राणायाम के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है, कंट्रोल इन योर ब्रेथ तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योग्यते विच्छेद प्राणायामा। प्राणायाम करने से क्या होता है, धारणासु योग्यता मनस कैपेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ धारणा। प्राणायाम करने से हम कैपेबल हो जाते हैं, हम धारणा की ओर अग्रसर हम करते हैं प्राणायाम के अभ्यास से। और क्या होता है जब हम प्राणायाम करते हैं, स्पेसिफिकली नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में एसिटाइल कोलाइन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है इसका क्या होता है, इन्हांसमेंट होता है, ये बढ़ता है, और जिससे क्या होता है, इनकोडिंग द मेमोरी जिसमें हमने पढ़ा था सेंसरी मेमोरी, और सबसे पहले अटेंशन के बाद हमने पढ़ा था सेंसरी मेमोरी, अटेंशन के होती है इनकोडिंग किसके, जो एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्टिमुलेट होता है ड्यूरिंग योगिक प्रैक्टिसेस। द प्रीवियस रिसर्च हैज शोन दैट। तो एसिटाइल कोलाइन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल दैट फंक्शन इज द ब्रेन एंड द ह्यूमन बॉडी एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको जब न्यूरॉन्स का डायग्राम बताया था कि ये डेंड्राइट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं। न्यूरॉन्स के टाइप्स आपको मालूम ही होगा, सेंसरी जो होते हैं वो बॉडी की इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन की इन्फॉर्मेशन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड। तो ये न्यूरॉन क्या करते हैं, जब डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और एक्सॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन साइनेप्टिक नोब से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है। तो यौगिक जब क्रियाएं करते हैं, यौगिक अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है कि योग में क्या है, एक रिदम है, आपकी ब्रीदिंग का एक रिदम है, बॉडी के पैटर्न मूवमेंट का एक रिदम है। ये रिदम क्या करता है, रिदम इज एन नेचर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का रिदम एक नेचर है, हार्ट हैज ए रिदम, डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ए रिदम, एंडोक्राइनल सिस्टम हैज ए रिदम। तो हमारी योगिक प्रैक्टिस एक रिदम पे जोर देती हैं, और ये रिदम क्या करता है, आपके बॉडी की होम्योस्टेसिस, एक वर्ड आता है जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं समस्थिति, तो जिसको इन्हांस करता है हमारी योगिक प्रैक्टिस। इन योगिक प्रैक्टिस We utilize the energy of our body in most efficient manner. अभी मैंने आपको प्राणायाम की बात कही थी कि प्राणायाम के माध्यम से जब हम ब्रेथ लेते हैं तो हम अपनी उसी ब्रेथ का यूटिलाइजेशन करते हैं, हम वी यूज योर फुल लंग्स कैपेसिटी। तो हमारी जो ब्रेथ है वो क्या करती है, हमको इफिशेंट मदद करती है, किसमें, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कोरिलेट करने में। दूसरा, महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है तो उनमें अगर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन प्रॉपर रहे तो उनकी मेमोरी अच्छी रहती है, उस समय मेमोरी लॉस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, लैक ऑफ मेमोरी। तो ऐसे में क्या है कि आप अगर योगिक प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा एंडोक्राइनल सिस्टम, क्योंकि हम अपने हाइपोथैलेमस को योगाभ्यास के माध्यम से अफेक्टेड करते हैं, अगर हमारा ब्रेन रिलैक्स रहेगा हमारा हाइपोथैलेमस अच्छा वर्क करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, इन सब हार्मोन्स पे अगर कंट्रोल रखेगी, उनका सिक्रेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो आपकी मेमोरी भी बेहतर होती चली जाएगी। दूसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट वाइज, कि मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं जब हम योगिक प्रैक्टिस करते हैं, तो मोनोएमाइन
न्यूरोट्रांसमीटर रिड्यूस। इनके रिड्यूस होने से क्या होता है, हमारी एंजाइटी का लेवल कम होता है, स्ट्रेस का लेवल कम होता है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम होता है, और इंक्रीमेंट इन मेंटल पीस। तो हम किस पे इंक्रीमेंट करते हैं, अपने मेंटल पीस में। और हम जब भी योगिक प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, जिसके माध्यम से कि योगा अभ्यास के माध्यम से हम अपने मेटाबॉलिक रेट को कम करते हैं। आप किसी भी एग्जांपल पे ले लो कि जिन एनिमल्स का मेटाबॉलिक जितना रेट जितना कम है, मेटाबॉलिक रेट का मतलब ब्रेथ स्लो, लेस एंड डीप ब्रेथ, तो आपका क्या होगा, लाइफ स्पान, आपका जीवन जो है लाइफ स्पान, तो वो क्या होगा, इन्हांस होगा। तो ऐसा इन्हांसमेंट, तो मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, कम होता है। अब अगर हम कुछ अभ्यास करेंगे, जैसे एक्सरसाइज है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, पर जब हम डायनेमिक पोस्चर करते हैं तो हम इन्हांस करते हैं अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, पर इतना इन्हांस नहीं करते कि हमारे बॉडी में उसका साइड इफेक्ट पड़े। और जितने हमारे स्टैटिक पोस्चर है उनमें क्या करते हैं, हम इन्हांस करते हैं अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये ब्रीदिंग का जो सिस्टम है, इससे भी हम क्या करते हैं, अपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्हांस करती है, और जो पिंगला नाड़ी है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्हांस करती है। इसमें ब्रीदिंग पैटर्न में अगर आप देखें कि जिसको हम कहते हैं कि इंफ्रारेडियन रिदम क्या है, कि हम प्राणायाम में कहते हैं इफ वी आर नॉट रिटेनिंग द ब्रेथ, अगर हम कुंभक का यूज नहीं कर रहे तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा इनहेलेशन हमारा जो इनहेलेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो इलॉन्ग होना चाहिए, किससे, एक्सहेलेशन से। हमारा इनहेलेशन जो होगा वो छोटा होना चाहिए, किससे, हमारे एक्सहेलेशन से। अगर एक्सहेलेशन हमारा इनलार्ज होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा कि अगर आप अपनी ब्रेथ, अगर आप अपनी पल्स में लेते हैं, आप इनहेल करेंगे तो सिंपैथेटिक बूस्ट अप होता है, तो आपका पल्स रेट बड़ा रहेगा। जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। इसलिए हमेशा प्राणायाम में आप अपने इनहेलेशन को शॉर्ट कीजिए और एक्सहेलेशन को बढ़ाइए। इससे भी हम क्या होंगे, अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डोमिनेट करते हैं। दूसरा, कुछ योगिक एक्सरसाइजेस रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ में हम बंदों का यूज करते हैं, तो बंद की यूज करने से क्या होता है, जब हम बंद लगाते हैं तो यहाँ कैरोटिड डायलेटेड एरिया, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड आर्टरी, इन पे क्या होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। हम अपने ट्रेन करते हैं अपने कीमो रिसेप्टर्स को, उसमें फिर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम की भी एक सीमा है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एंड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हम स्टिमुलेट करते हैं अपनी वेगस नर्व को। वेगस क्या है, वेगस इज ए क्रेनियल नर्व, जो एक मिक्स नर्व होती है जो सेंसरी और मोटर नर्व दोनों का काम, उसका भी स्टिमुलेशन हम प्राणायाम के अभ्यास से करते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास से क्या करते हैं, बेसिकली हम न्यूरोट्रांसमीटर को भी पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। डोपामाइन, जो हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, इसका सिक्रेशन को प्रमोट करते हैं प्राणायाम के अभ्यास। तो इस प्रकार अब आप ओम चैंटिंग करते हैं। ओम चैंटिंग में क्या है, बहुत से ज़्यादा रिसर्च हैं जो कहती है मेडिटेशन, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका मेटाबॉलिक रेट, जिसको कहते हैं कि वेकफुल हाइपो मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल, उससे क्या होता है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे कहते हैं BMI, इसको भी हम इफेक्ट डालते हैं प्राणायाम के अभ्यास। दूसरा, हम ओम चैंटिंग करते हैं, ओम चैंटिंग के जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन क्या करते हैं, आपके पूरे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हायर ब्रेन सेंटर्स को इफेक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। वहाँ से हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ऑल एंडोक्राइनल ग्लैंड्स इससे अफेक्टेड होती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शंस को हम प्रॉपर करते हैं। और क्या, अपनी क्वाइट एंड रिलैक्स सूदिंग इफेक्ट ऑन द ब्रेन। आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम के वाइब्रेशन क्या है, आपके पूरे अल्फा इजी जो ब्रेन वेव्स का पैटर्न है, जिसमें क्या होता है अल्फा इजी पैटर्न डोमिनेंट करते हैं योगाभ्यास के माध्यम से। तो योग एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी चीज़ें और इम्पोर्टेंट रहेगी हैं जिनको मैं, अगर आप छांदों के उपनिषद पर जाएंगे तो छांदों के उपनिषद में क्या कहा गया है कि
दैट विच सेपरेट्स यू फ्रॉम गॉड इज माइंड। माइंड क्या है कि ऐसी चीज है जो आपको सेपरेट करता है गॉड से। द वॉल दैट स्टैंड बिटवीन यू एंड गॉड इज माइंड। पुल द माइंड पुल द वॉल डाउन थ्रू ओम चेंटिंग और डिवोशंस एंड यू विल कम फेस टू फेस विद गॉड। ये छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया गया है कि हम किस प्रकार माइंड को डिफाइन किया गया है कि माइंड है क्या जो हमको सेपरेट्स करता है। दैट विच सेपरेट्स यू फ्रॉम गॉड इज माइंड। इसमें और सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारा है कि किस तरह हम योगा अभ्यास के माध्यम से किस प्रकार हम योगिक प्रैक्टिस के माध्यम से अल्टरनेट नॉस्ट्रल के ब्रीदिंग के माध्यम से राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को के डोमिनेंस से अपने ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और ब्रेन के डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो योग क्या है, षटकर्म के माध्यम से हम शरीर का शोधन करते हैं, आसनों के माध्यम से हम बॉडी की एफिशिएंसी को इन्हांस करते हैं, मस्कुलर सिस्टम बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं उन पर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, डिफरेंट सिस्टम की वर्किंग कैपेसिटी को हम इन्हांस करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से बॉडी और माइंड के कोरिलेशन को हम बेहतर करते हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से। ईड़ा क्या है जो हमारी मेंटल स्टेट को बताती है और पिंगला क्या है कि जो हमारी बॉडी के लिए इंडिकेट करती है। तो बॉडी माइंड कोरिलेशन, प्राणायाम क्या है इज अ लिंक बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। अगर हमारा बॉडी और माइंड का कोरिलेशन प्रॉपर रहेगा तो हम योगा अभ्यास के माध्यम से अपनी मेमोरी को इन्हांस कर पाएंगे। मेमोरी इन्हांसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसंट्रेशन अटेंशन, क्योंकि जब भी हम अटेंशन है कंसंट्रेट हैं तो योग क्या सिखाता है, हाउ टू कंसंट्रेट, कैसे आप अटेंशन हो सकते। हमारी जितनी योगिक प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, इंट्रावर्ड होते हैं, वी क्लोज योर आइज, टेक अ डीप इनहेल, फोकस इन योर ब्रेथ, हम श्वास पर श्वास की गति में हम जितना अपने ब्रेन को अपनी बॉडी में इन्वॉल्व करेंगे उतने टाइम हमारा ब्रेन बाहर के थॉट से फ्री रहे। अगर हम आधा घंटे भी योगिक प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन आधा घंटे स्ट्रेस एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव थॉट्स से फ्री रहेगा। और ये फ्रीनेस क्या करेगी, हमारे ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी को इन्हांस करेगी। योग निद्रा त्राटक षटकर्म में कई ऐसे षटकर्म में त्राटक एक बहुत बढ़िया मेथड है। तो अगर मैं समराइज करूं तो नाड़ी शोधन प्राणायामा ओम चेंटिंग त्राटक ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं, लेकिन हमको इनको यूज करना पड़ेगा, हमको इनको योग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर हम ओम चेंटिंग का रोज 10 टाइम अभ्यास करते हैं तो ये वाइब्रेशन आपके न्यूरो ट्रांसमीटर पर आपके ब्रेन में निकलने वाले डिफरेंट हार्मोन्स की एक्टिविटी को प्रॉपर करती है। और अगर हमारा हार्मोनल सिस्टम प्रॉपर, अगर हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम प्रॉपर है तो बॉडी का हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से लिंक्ड है। तो योग क्या है, एक रिदम का नाम है, एक रिदम, एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एक डिसिप्लिन आपको देता है, एक अनुशासन आपको शरीर को देता है जिसके माध्यम से आप अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं भी इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना चाहूँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन टाइप, आई विल आंसर। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं 5 मिनट आपको और दूंगा जिसमें हम थोड़ी आपके क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लें। आसनों के माध्यम से एक बार मैं फिर रिपीट कर लूं कि प्राणायाम में हम प्रमोट करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग को 60%, इट आल्सो मेक चेस्ट ब्रीदिंग इफिशेंट। इससे क्या होता है कि हमारे मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होता है, प्राणायामा प्रमोट करते हैं हम लंजीविटी को, प्राणायामा कंट्रोल
योर मेटाबॉलिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी इन द मेटाबॉलिज्म। प्राणायाम क्या है? डिसिप्लिन, द ब्रीदिंग रेट, कोर ऑफ प्राणायामा। अगर हमारा ब्रीदिंग का रेट डिसिप्लिन है तो यही कोर फोकस ऑफ प्राणायाम है, ये एक प्राणायाम का कोर फोकस है। तो हमेशा दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक्सहेलेशन इज लॉन्गर देन इनहेल जब भी प्राणायाम करें। जब भी हम एक्सहेलेशन करें वो लॉन्गर होना चाहिए आपका इनहेलेशन से। इससे क्या होता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं साइनस रिदेमिया, जो क्या है, एक मच मोर रिलैक्स पैटर्न है अपने आप को, अपने ब्रेन को रिलैक्स करने का, क्वाइट इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट इन अवर ब्रेन। और ब्रेन अगर आपका सही फंक्शन करता है तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, आपके डिफरेंट फंक्शंस बॉडी के आप प्रॉपर कर पाएंगे, और जो आपके हायर सेंटर्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उनको भी आप प्रॉपर तरीके से एक रिदम में ला पाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पॉजिटिव वे से आप स्टिमुलेट करते हैं, अपने दोनों ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंतर्गत आते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्हांस करते हैं योगिक प्रैक्टिस के माध्यम से, जिसमें आपकी बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और आपका ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम स्ट्रांग बनता है और आपकी मेमोरी पावर बेहतर होती है। जब हम योगासन और प्राणायाम को थोड़ी डीप करते हैं तो हम इसमें चक्रों का विजुलाइजेशन भी करते हैं। चक्र क्या है, मैंने आपको बताया, ब्राह्मी प्राणायाम की राइट टेक्निक है टू क्लोज योर आईज, जो हमारे हठ ग्रंथों में भी वर्णन किया गया है कि जिससे हम बाहर से जो इनपुट है वो ना ले सकें। देखिए हमारे योग में बहुत सी मुद्राओं के साथ हम प्राणायाम करते हैं, तो षडमुखी मुद्रा से भी हम प्राणायाम करते हैं। अगर षडमुखी से मुद्रा से ना कर पाएँ तो आप सिंपल ढंग से भी, बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने जो प्राणायाम की टेक्निक बताई है कि ये फिंगर्स को पुल अप करते हैं अंदर की तरफ, इनहेल करते हैं, टीथ को सेपरेट करते हैं, क्लोज योर माउथ एंड इनहेल, एंड द फील द वाइब्रेशन। ये कान में उंगली से लगाई जाती है कि आप अपने आप को इंट्रावर्ट कर सकें, बाहर की साउंड आप। ये तो मुद्राएं हैं जो फेस पर फिंगर लगाने की बात है, ये षडमुखी मुद्रा है, इसके लिए आपको थोड़ी योगिक प्रैक्टिस का आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि मुद्राओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कि प्राणायाम करने वक्त भ्रामरी प्राणायाम में फेस पर फिंगर क्यों लगाई जाती है। तो ये फेस पर फिंगर ये षडमुखी मुद्रा के लिए लगाई जाती, षडमुखी मुद्रा, क्योंकि मुद्राओं में प्राणायाम करने के लाभ और लाभ होते हैं, थोड़ी डीप चीजें हैं। और कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समराइज करूँगा मैकेनिज्म ऑफ प्राणायाम को, कि जब हम ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल ऑफ लंग्स, कंट्रोल ऑफ हार्ट, कंट्रोल ऑफ प्राणा, कंट्रोल ऑफ माइंड। इसके साथ मैं अपने टॉपिक को, आज के सेशन को, और उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन का लाभ लिया होगा। आप सभी विपरीत परिस्थितियों में, जहां विश्व एक कोविड-19 महामारी से
जूझ रहा है, आपका भी एक गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाए उन सब का पालन करें और घर पर रहें सेफ, और आई होप यू अंडरस्टैंड, सो आई वॉन्ट टू स्टॉप हियर। आप सभी से मेरा अनुरोध है योग को अपने जीवन में अपनाएं, यौगिक षटकर्म जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त विद्या है हठ योग, उसको अपने जीवन में अपनाएं। सिर्फ जब तक आप इनको अपने अभ्यास में नहीं लाएंगे ऐसे और इनसे होने वाले लाभों को अपने जीवन में उतारिए, हमारी कोई भी यौगिक प्रैक्टिस जो योगियों द्वारा हमारे हठ ग्रंथों में वर्णित है उससे आप अपने जीवन में अत्यंत लाभ उठा सकते हैं। मेमोरी तो एक छोटा सा पार्ट है कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से, योग की एक ब्रांच जिसको हठ योग कहते हैं उसके अंतर्गत आसन प्राणायाम विधान है, ध्यान का विधान है, इनके अभ्यास करके मेमोरी का एनहांसमेंट कर सकते हैं। आप में से जो लोग भी हैं जिनकी मेमोरी वीक है वो नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, क्योंकि अगर हमारी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से रहेगी तो हम अपनी मेमोरी पर